भरवा सब्जियां तो सबने बहुत खाई होंगी, अलग अलग सब्जियों में भर के जो बनती हैं स्टफिंग। पर भरवा सब्जी ये ग्रेवी वाली बना के और खा के टेस्ट करके देखिए, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ये रेसिपी है टिंडे की। जो टिंडा नहीं भी खाता होगा वो भी खाएगा, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा हुआ। तो इसके लिए मैंने ये देखिए मुलायम वाले जो थोड़े छोटे छोटे से टिंडे होते हैं जिसमें बीजे नहीं होते हैं, उसको ले लिया मैंने। इस तरह से खुरच के उसकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेते हैं। बस पतली वाली ऐसे खुरच के करनी है, पीलर से छीलना नहीं है। इस तरह से देखिए तो सारी ऐसे कर लिए हैं। ऊपर की ये जो ढक्कन उसका जहाँ से उसकी स्टेम होती है वो ऐसे सारे निकाल दिए हमने, इस तरह से निकाल देते हैं। उसको एक बार धुल लेते हैं, क्योंकि जो छिलका था वो लगा हुआ था, और पोंछ के ले लेते हैं टिंडों को इस तरह से। इसको किचन टॉवल से पोंछ लेते हैं सारे टिंडों को, और इस तरह से ना प्लस में ऐसे एक कट लगा लेना है, बस नीचे से अलग ना हो। और उसको एक इस तरह से कट लगा के सारा तैयार कर लेते हैं। पूरी कट को नीचे तक लेके जाएं आप। और इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। तो मोटे मोटे प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन है। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको हटा दें, अवॉइड करें। और मिर्ची, टमाटर और अदरक का पेस्ट बना लें। और मैंने तो सारे का पेस्ट बना लिया। और एक पैन में तेल डाल के और हींग थोड़ी सी डाल ली, और ये जो पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज का उसे डाल के इसको भून लेते हैं अच्छे से। इसको इस तरह से भूनते भूनते थोड़ा सा ड्राई करते हैं। अभी क्या करते हैं ना, ये बड़ा चम्मच, डेढ़ दो चम्मच सौंफ और धनिया का पाउडर था, हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर डाल के इसे थोड़ा और भूनते हैं। तो मोटी वाली सौंफ और धनिया जो था, खड़ी धनिया थी, उसको मैंने दो बड़े बड़े चम्मच मैंने लिए थे, तो वो दो दो चम्मच थे। और अभी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक पूरी रेसिपी के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि यही मेरी स्टफिंग है और इसी से ही ग्रेवी भी बनेगी। तो ये कसूरी मेथी लेके और हाथों में इस तरह से थोड़ा सा ऐसे क्रश करके और इसमें ऐसे डाल देते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मसाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टफ जो होती है रेसिपी तो उसमें थोड़े मसाले ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सूखा करने तक भूनना है। और ये देखिए मैंने डेढ़ चम्मच चीनी डाली है इसमें, शक्कर, तो उससे हल्का सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था, मैंने चाट मसाला डाला है। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो एक चम्मच वो डालें, वरना नींबू डाल दें, तो तीन तीन ऑप्शन है। और इस तरह से देखिए पैन बिल्कुल छूट गया है, मसाले ड्राई हो गए हैं, तो बस हो गया तैयार। इसको ठंडा कर लिया मैंने, ठंडा करके इस तरह से, और अभी इसको स्टफ करते हैं। आप इस मसाले को रख भी सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये रहते हैं, और किसी भी स्टफ ऐसे किसी भी सब्ज़ी में आपको स्टफिंग इसकी करनी हो भर के बना सकते हैं। ये टिंडों को मैंने ऐसे, जो भी स्लिट लगाए हुए टिंडे हैं उसमें ऐसे प्लस के निशान है, उन पूरे में भर लेते हैं इस तरह से स्टफ कर लेते हैं। स्टफिंग अच्छे से करिएगा, और इस तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे टिंडों को तैयार कर लेते हैं। ये तैयार हो गए हमारे भरवा टिंडे, और ये इतने मसाले बच गए हैं, तो जिसमें से थोड़ी सी तो ग्रेवी के लिए जाएगी। और ये थोड़ा सा तेल डाल दिया दो चम्मच, और उसमें ये टिंडे लगा दिए और ढक्कन से ढक दिया। अब इसको ढक के ही पहले थोड़ा कुक करना है हमें, और ये अच्छे से पक जाते हैं। इसमें ढक के आप पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से चलाते हुए, ढक्कन लगाते हुए हमें करीब 10 मिनट तक कुक करना है।
या फिर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते ऊपर से पता चल जाएगा आपको। डिपेंड करता है कि टिंडे कितने मेच्योर हैं। तो ये देखिए, और चारों तरफ से उलट पलट के मैंने दोनों तरफ से करने के बाद ऐसे सारे टिंडों को गोल में ऐसे राउंड में भी घुमा दिया था। तो इस तरह से आप इस स्टेज पे भी देखिए, इस तरह से भी ना टिंडों को आप सर्व कर सकते हैं। देखिए पूरी तरह से ये पक गए हैं। और अभी क्या करना है, हम ये जो मसाले बनाए हैं उसमें से 2-3 बड़े चम्मच डाल के, या फिर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मसाले डाल के और थोड़ा पानी डाल के उसको घोल देते हैं इसी में साइड में। तो हम थोड़ी सी ग्रेवी वाला ये भरवा टिंडा बना रहे हैं। तो इस तरह से भी आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनते हैं ये। तो ये तैयार हैं करीब मेरे टिंडे। बस थोड़ा सा ये ग्रेवी उठा के ऊपर से स्पून से इनके ऊपर डाल देते हैं। ज़्यादा उल्टे पलटेंगे नहीं, नहीं तो सारे मसाले बाहर आ जाएंगे। और फ्रेश हरी धनिया से इसको थोड़ा डाल के और ढक्कन ढक लिए। तो तैयार है हमारे ये स्टफ्ड टिंडे। खाइए, खिलाइए और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।